आज के वीडियो में हम देखने वाले एक और नए पैटर्न के बारे में स्टार्ट करते हैं इसको। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है, स्टार प्रिंट करने से पहले क्या आ रहे हैं, मेरे पास तीन स्पेसिस आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पेसिस होंगे मेरे पास। ये मेरे पास रो नंबर 1 दैट इज 2, ये 3 है और ये 4 है। इस पैटर्न का जो साइज है वो क्या है मेरे पास, 4 है। ओके, ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और क्या है कॉलम नंबर 4। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पेसिस मेरे को करने प्रिंट, राइट। अब देखो पहली वाली रो के अंदर मेरे को शो करने कितने स्पेस, 3 स्पेस। तो इसका मतलब क्या है, एन माइनस करंट रो, जो भी क्या है मेरे पास साइज है, तो क्या होगा 4 माइनस, अगर करंट रो क्या है फर्स्ट है तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब क्या है, पहली वाली रो के अंदर मेरे को शो करने कितने स्टार कितने स्पेस, 3 स्पेस। अब 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब क्या है, जब मेरे पास रो का काउंट 2 है तो मेरे को तो करने कितना स्पेस, 2 स्पेस, राइट। अब बारी आती है स्टार्स की। अब देखो अब किस केस के अंदर मेरे को स्टार्स यहाँ पे दिखा के आने, देखते हैं। जब मेरे पास कॉलम का काउंट क्या है, 4 है। जब मेरे पास कॉलम के लिए क्या, इफ माय कॉलम इज डबल इक्वल टू साइज, तो इसमें तो क्या है, जब मेरे पास कॉलम के लिए क्या है 4 है तब मेरे को दिखाने स्टार्स, ये स्टार्स आ गए। या फिर जब मेरे पास करंट रो के लिए क्या है 4 है, इफ माय रो मतलब सी आर इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो मेरे को दिखा के आने क्या स्टार्स। यह किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। अब बारी आती है येलो स्टार्स की, किनकी, येलो स्टार्स की। तो फटाफट से इसको और देख लेते हैं। देखो जब मेरे पास रो का काउंट कितना है, 2 है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो उसको देखते हैं कि साइज माइनस करंट रो प्लस 1। जैसे अगर हम बात करते हैं, जब मेरे पास रो का काउंट कितना है, 2 है, तो क्या होगा साइज विच इज 4 माइनस 2 प्लस 1, क्या होगा 4 माइनस 2 दैट इज 2, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, क्या होगा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब क्या है, जब मेरे पास कॉलम का काउंट कितना है, 3 है, तो मेरे को एक स्टार यहाँ पे दिखा के आना। इफ माय कॉलम इज इक्वल टू 3 तो मेरे को दिखाना एक स्टार। बात करते हैं जब मेरे पास करंट रो के लिए होगी 3, देखते हैं एस माइनस करंट रो प्लस 1, तो क्या होगा साइज विच इज 4, 4 माइनस करंट रो वो क्या है 3 है, तो 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना होगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, क्या हो जाएगा 2। तो इसमें तो क्या है, जब मेरे पास कॉलम का काउंट क्या होगा, 2 होगा, तब मेरे को यहाँ पे एक स्टार दिखा के आना, राइट। अब एक काम करते हैं यहाँ पे फटाफट से इसका देख लेते हैं फंक्शन। एक फंक्शन होगा जिसका टास्क क्या होगा, प्रिंट स्टार, लिखा जाता है प्रिंट स्टार। और यहाँ पे प्रिंट स्टार के पास होंगी 3 चीजें, देखते हैं। एक होगा करंट कॉलम, लिखते हैं सीसी। एक होगा करंट रो, लिखते हैं सीआर। और एक होगा इसका साइज, क्या होगा साइज। अब सबसे पहले जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होगा इसका लिख के आते हैं बेस केस, कि अगर बेस केस क्या, अगर इसका करंट कॉलम एक्सीड करता है किसको, साइज को, देन यहां से कर लेंगे क्या रिटर्न। ओके, अब लिख के आते हैं कंडीशन, कि किन किन कंडीशन में मेरे को यहां पे स्टार दिखा के आना, देखते हैं। जब मेरे पास करंट कॉलम क्या, करंट कॉलम की वैल्यू रीच करती कहां पे, साइज पे। और जब मेरे पास करंट रो की वैल्यू रीच करती कहां पे, साइज पे। देखो ये है किसके लिए, जब मैं करंट कॉलम की वैल्यू रीच करते कहाँ पे, साइज पे। जब मेरे करंट रो के लिए रीच करते कहाँ पे, साइज पे। अब बारी आती है यहाँ ले स्टार्स की, उसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, जब मेरे पास करंट कॉलम रीच करता कहाँ पे, साइज माइनस करंट रो प्लस 1। ओके, ये 3 कंडीशन होगी। इन 3 कंडीशन में मेरे को करने प्रिंट क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या स्टार्स, राइट। बाकी सारे केसेस के अंदर क्या है, एल्स में करना है क्या प्रिंट, एसओपी और क्या ब्लैंक स्पेस। ओके, और फिर अब इसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं किसको, प्रिंट स्टार को, और करना क्या है, करंट कॉलम की वैल्यू कर देंगे प्लस 1 और करंट रो को एज इट इज और साइज भी क्या सेम रहेगा। ये है मेरे पास क्या, प्रिंट स्टार। अब इसके बाद क्या होगा, मेरे पास एक होगा प्रिंट स्पेस, क्या होगा प्रिंट स्पेस, इसके पास क्या होगा स्पेस का काउंट होगा। अब इसका जो बेस केस होगा वो क्या होगा, इफ माय स्पेस काउंट रीच इज 0 देन रिटर्न, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बोलते थे क्या, डबल कोट्स में एक ब्लैंक स्पेस। और फिर इसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं वापस प्रिंट स्पेस को, और करना क्या है स्पेस काउंट -1। ओके, अब इसके बाद एक और तीसरा फंक्शन होगा जो कि इन दोनों फंक्शन को कर रहा होगा कॉल, वो और देख लेते हैं। उसको मैं बोल देता हूँ, उसका नाम है प्रिंट पैटर्न, मान लो प्रिंट पैटर्न। अब प्रिंट पैटर्न के पास होगी 3 चीजें, एक होगा करंट कॉलम, एक होगा करंट रो, और तीसरा क्या होगा उसका साइज। ये 3 चीजें होंगी यहाँ पे। अब देखते हैं,
सबसे पहले मेरे को यहाँ पे करने प्रिंट क्या स्पेसेस, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं कॉल करूंगा प्रिंट स्पेस को, और यहाँ पे जो मैं वैल्यू पास करने वाला हूँ वो क्योंकि साइज माइनस करंट रो, ओके। फिर इसके बाद मैं कॉल करूंगा किसको, प्रिंट स्टार को, प्रिंट स्टार को, और यहाँ पे मैं जो वैल्यू पास करने वाला हूँ वो क्योंकि साइज माइनस करंट रो प्लस वन, ओके। और फिर करंट रो के अंदर वैल्यू पास कर देंगे करंट रो और साइज को साइज। अब कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट होगी मेरे पास, और फिर क्या होगा, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे प्रिंट पैटर्न को, और करेंगे क्या, करंट रो प्लस वन, और क्या होगा, करंट रो प्लस वन, और क्या होगा, साइज होगा मेरे पास यहाँ पे, राइट। अब इसका देख लेते हैं वीएस कोड के ऊपर कैसे लिखेंगे इसका कोड, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आके सबसे पहली चीज जो यहाँ पे लिखनी है वो क्या, सबसे पहले एक फंक्शन होगा जिसका टास्क क्या है, प्रिंट प्रिंट स्टार। तो यहाँ पे लिख के आते हैं एक स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्टार। इसका टास्क क्या है, स्टार को करना है प्रिंट। इसके पास होंगी तीन चीजें, एक होगा करंट कॉलम, बोल देता हूँ सी सी, मतलब करंट कॉलम सी सी। एक होगा इसके पास क्या है, इंटीजर करंट रो सी और आर। इसके साथ साथ एक और चीज होगी इसके पास क्या, इंट साइज। ये इसके पास तीन वैल्यूज होंगी। अब करना क्या, देखो अब इसका जो बेस केस होगा वो क्या है, कि अगर मेरे करंट कॉलम इफ माई सी सी एक्सीड्स क्या साइज, अगर मेरी सीसी के लिए एक्सीड करती है साइज को, तो यहां से मेरे को करना है क्या, रिटर्न, ओके। इसके बाद लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अब लिख के आते वो चार वो तीन कंडीशन जहां पे मेरे को स्टार करना है प्रिंट, कि अगर मेरे पास करंट कॉलम की वैल्यू इज डबल इक्वल टू क्या है, साइज है, तो मेरे को करने क्या, स्टार प्रिंट। या फिर मेरे पास करंट रो की वैल्यू क्या है, मेरे पास करंट रो की वैल्यू क्या है, मेरे पास इज डबल इक्वल टू क्या है, साइज है। ये सेकंड कंडीशन है। अब जो तीसरी कंडीशन है वो क्या, अगर मेरे पास करंट कॉलम की वैल्यू इज डबल इक्वल टू क्या है, मेरे पास साइज माइनस करंट रो विच इज सी आर प्लस वन। ये क्या, ये तीन कंडीशन है, जिन तीन कंडीशन में मेरे को स्टार करने प्रिंट। लिख के आते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और डबल कोट्स के अंदर एक स्टार आ जाएगा। इसके अंदर से मैं नेक्स्ट लाइन निकाल देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को एक सिंगल लाइन के अंदर सारे स्टार दिखाने हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एल्स के अंदर जाएंगे, और क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस, यहां से भी निकाल देते क्या, नेक्स्ट लाइन। अब इसी फंक्शन को दोबारा कर लेते कॉल, किसको, प्रिंट स्टार को, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते क्या, करंट कॉलम को कर देंगे क्या, प्लस वन, और क्या, करंट रो के साथ कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, करंट रो के साथ नहीं करनी और साइज के साथ भी नहीं, सेव करते हैं इसको। अब इसके बाद एक और फंक्शन होगा जिसका टास्क है स्पेस करना प्रिंट। लिखते हैं स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्पेस, बोलते हैं यहाँ पे क्या, प्रिंट स्पेस, और यहाँ पे करना क्या, स्पेस का काउंट होगा इंट स्पेस काउंट, स्पेस काउंट। अब यहाँ पे लिख के आते सबसे पहले बेस केस, कि अगर मेरे पास इफ माई स्पेस काउंट रीच इज जीरो देन रिटर्न, लिख के आते हैं यहाँ पे रिटर्न। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस आ जाएगा। अब इसका इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेते हैं प्रिंट स्पेस को, और करेंगे क्या, स्पेस काउंट माइनस वन। अब इसी के साथ साथ एक तीसरा फंक्शन भी होगा जो कि इन दोनों फंक्शन को कर रहा होगा कॉल, वो और देख लेते हैं। वो तीसरा फंक्शन मैं बोल देता हूँ स्टैटिक वॉइड प्रिंट पैटर्न, प्रिंट पैटर्न PATERN। अब इसके पास होंगी तीन चीजें, एक होगा बोलते हैं करंट रो, ये बोलते हैं सबसे पहले लिखते हैं करंट कॉलम, इसके बाद लिखते हैं इंटीजर करंट रो, और इसके बाद एक और चीज होगी इसके पास क्या, इंटीजर साइज। इसके पास होंगी तीन चीजें, करंट रो, करंट कॉलम और करंट साइज। इसके बाद अब जो इसका बेस केस होगा वो लिख के आते हैं, कि अगर मेरे पास करंट रो, इफ माई करंट रो एक्सीड्स माई साइज देन रिटर्न, यहाँ पे लिख के आते हैं डबल कोट्स के अंदर क्या, रिटर्न। अब इसके बाद करना क्या है, अब सबसे पहले मेरे को करने प्रिंट स्पेस, तो मैं यहाँ पे कॉल किया किसको, प्रिंट स्पेस को, और यहाँ पे जो वैल्यू पास करनी है वो क्या है, साइज माइनस करंट रो, साइज माइनस करंट रो। इसके बाद कॉल करते हैं किसको, प्रिंट स्टार को, और प्रिंट स्टार को जो वैल्यू यहाँ पे पास करनी है वो क्या है, सबसे पहले पास करना है साइज माइनस करंट रो विच इज सी आर प्लस वन, ठीक है, पहली वैल्यू है, इसको मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। अब इसके बाद जो सेकंड वैल्यू पास करनी है वो क्या है, करंट रो, वो क्या है मेरे पास यहाँ पे, करंट रो, और क्या है, साइज। अब इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लेते हैं रिकर्सिवली, मैंने बोला प्रिंट पैटर्न, और करना क्या है, करंट रो, करंट कॉलम प्लस वन, और क्या है, करंट रो प्लस वन। सेव करते हैं इस कोड को, और एक बार यहाँ पे आते हैं वापस,
और अब मेन मेथड में इसको कॉल करते हैं प्रिंट पैटर्न को। अब यहां पे मैंने बोला कि जो करंट कॉलम है वो क्या है, मेरे पास वन है, और मैंने बोला जो करंट रो है वो भी क्या है, मेरे पास वन है, और इसका साइज मैं यहाँ पे बोल के आ जाता हूँ मान लेते हैं फोर। सेव करते हैं इस कोड को। अगर इस कोड को अब चलाने की कोशिश करें, करते हैं इसको रन, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसका आउटपुट अब क्या आ रहा है, ओके। यहाँ पे इशू क्या है कि मैंने प्रिंटिंग के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट नहीं किया, तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्टेटमेंट डॉट डाल के आ जाते हैं, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट है ना। सेव करते हैं इसको। अब अगर इस कोड को दोबारा देखें, चला के करते हैं दोबारा से रन, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये क्या आउटपुट आ रहा है, मेरे पास एक हॉलो ट्राइंगल आ रहा है, राइट। तो अगर अभी साइज को अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ, मैं बोल देता हूँ 10, दोबारा सेव करते हैं इसको दोबारा से रन, तो ये क्या है मेरे पास, ये है पैटर्न। तो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।